उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग की तैयारी को अंतिम रूप लगातार दिया जा रहा है। देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों की काउंटिंग के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी पर देखें हमारे संवाददाता पंकज राणा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। 10 तारीख को मतगणना होगी और उसके बाद जब पिटारा खुलेगा तो उत्तराखंड में चुनाव लड़े 632 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आएगा। इस वक्त मैं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूं, जहां पर देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी। और आप यहां देखेंगे तो पूरी तरह से व्यवस्थाएँ चाकचौबंद की जा रही है, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर देखेंगे आप डबल लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। पहले बांस बल्ली लगाई गई है, उसके बाद जो जाल है उसको लगाया गया है ताकि इस रास्ते से ही जो ईवीएम मशीनें हैं उनको काउंटिंग के लिए ले जाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पर ईवीएम मशीनों का स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और वहीं स्ट्रॉन्ग रूम में भी 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 10 तारीख तक इसी तरह से बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में ये ईवीएम मशीनें रहेंगी और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होगी। क्योंकि मतगणना का बेसब्री से प्रदेश की जनता को भी इंतजार है, उसके साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा मतगणना के दिन। मतगणना के लिए पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जा रही है, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से मतगणना की जानी है। उसी के बाद तमाम जो कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे वो मतगणना में बैठेंगे और मतगणना करेंगे। लेकिन हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा कि 10 तारीख को जब मतगणना होगी उस पिटारा खुलेगा तो कौन प्रत्याशी जीतकर विधानसभा तक पहुँच पाता है और उत्तराखंड में किसकी सरकार बन पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।